कुछ सालों पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वो एक खेत के पास पहुंचे। दोनों को प्यास लगी थी तो वो खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से चौंके हुए थे क्योंकि खेत बहुत ही बड़ा था और अच्छी और उपजाऊ जमीन भी थी, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी भी निकली और तीन बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र आवाज से बोला, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु को पानी दिया और पानी पीते पीते गुरुजी बोले, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी बोला, हमारे पास एक भैंस है, वो काफी अच्छा दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे हमें मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का हम सेवन करते हैं और हमारा गुजारा ऐसे ही चलता रहता है। शाम होने आई थी और काफी देर भी हो गई थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज की रात हम यहीं पर गुजारा करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वो वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और एकदम धीमे से उसके कानों में बोला, चलो हमें अभी यहाँ से निकलना है और चलने से पहले उसकी जो भैंस है उसे हमें ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ देना है। शिष्य को अपने गुरु की बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि जिस गुरु से वो बहुत सारी चीजें सीखा हुआ था उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए बोला था। फिर भी वो उसके गुरु थे इसलिए गुरु की बात वो मना नहीं कर सकता था। आखिर में गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ से आना मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी और करीब 10 साल के बाद एक बड़ा गुरु बना। तब उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती को सुधार लिया जाए और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए जिससे उस व्यक्ति की आगे आने वाली जिंदगी खुशहाल जिंदगी बने। और वो निकल पड़ा उस आदमी की मदद करने के लिए। कुछ टाइम चलने के बाद वो शिष्य वहीं पर पहुंच गया जहां वो पहले पहुंचे थे, मगर वो फिर से चौंक गया। वहां पर उसने देखा बहुत बड़े बड़े से फल के पेड़ लगे हुए हैं, एक बड़ा सा घर बना हुआ है। शिष्य को हुआ कि शायद भैंस के चले जाने के बाद वो परिवार सब कुछ बेचकर चला गया होगा, इसीलिए वो वापस लौटने लगा। तभी उसने वो आदमी को देखा। शिष्य बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूसी से बोला, हाँ हाँ कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को, आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, पर उसी दिन ना जाने क्या हुआ और जो मेरी भैंस थी वो कहीं चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊंगा, पर जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो लकड़ियाँ काट कर बेचने का मैंने काम शुरू किया और उससे कुछ पैसे मैंने इकट्ठा किए और जो भी मेरे पास पैसे थे उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। फसल बहुत ही अच्छी निकली। बेचने पर जो पैसे मिले उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए। ये काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा और इस समय आसपास के हजार गांव में सबसे बड़ा फल का व्यापारी मैं हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर वो भैंस नहीं चली गई होती, क्योंकि उसी के कारण मैं लाचार था और उसी के कारण मैं और कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके जाने से मैंने तुरंत नए रास्ते निकाले जिससे मैं पैसे कमा सकता था और आज मैं एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। शिष्य बोले, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है, तो कोशिश ही नहीं की मैंने। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा भी काम कर सकता हूँ जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चे मेरी पत्नी को और अच्छी भी जिंदगी दे सकता हूँ। इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था और मैंने तब ठान लिया था कि अब मैं जो भी करूँगा पूरी मेहनत के साथ करूंगा, अपने दम पर करूंगा और आज इसीलिए मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सोचिए कहीं आपकी जिंदगी में भी तो कोई ऐसी ही भैंस नहीं जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही हो। उस भैंस ने आपको बांध कर तो नहीं रखा है? अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए, आजाद हो जाइए
आपके पास खोने के लिए बहुत ही कम चीजें हैं, पर सोचिए अगर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो पाने के लिए पूरा जहान है आपके पास। जाइए और उसे पाकर दिखाइए और अपनी जिंदगी को एक सक्सेसफुल जिंदगी बनाइए। दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब